आपने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को दुनिया के सबसे उत्कृष्ट कार्यक्रमों में शामिल किया है और बीता वर्ष तो स्पेस और एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को नई दिशा देने वाला है। एसेट के रूप में अत्याधुनिक स्पेस मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण ये निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करेगा। आप सभी के प्रयासों से आज भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास एयरक्राफ्ट से लेकर के एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ बनाने की क्षमता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना किया जाना काफी है? जी नहीं साथियों, और आप घर में भी देखा होगा, जो बच्चा अच्छा काम करता है माँ बाप उसको ज्यादा परेशान करते हैं। वो 5 करता है तो कहते हैं 7 करो, 7 करता है तो बोले 10 करो, और जो घर में नहीं करता है अरे छोड़ो वो कुछ करेगा नहीं, वो उसको छोड़ देते हैं। तो आपकी मुसीबत है कि आपको लोग काम बताते ही रहेंगे। देखिए रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यानी इस धरती पर ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे हो नहीं सकता? सब कुछ हो सकता है, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यानी रामचरितमानस जब बना तब उसको मालूम था कभी DRDO होगा। मैं DRDO के लिए भी यही दोहराना चाहता हूं, आपकी क्षमताएं असीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने दायरे का विस्तार करिए, अपने परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को बदलिए, अपने पंख को पूरी क्षमता से खोलकर आसमान पर एक छत्र राज करने का हौसला तो दिखाइए। अवसर है और मैं आपके साथ हूं। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि सरकार प्रति पूरी तरह आपके साथ है, देश के वैज्ञानिकों के साथ है, इनोवेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आज हिंदुस्तान तैयार है।